राष्ट्र का प्रमुख परिवहन होने के साथ साथ भारतीय रेल अब अंतर्राष्ट्रीय रेल नेटवर्क का हिस्सा बन रही है। भारतीय रेल उन 28 देशों में शामिल है जो ट्रांस एशियन रेलवे नेटवर्क का हिस्सा है। इस क्षेत्रीय परिवहन सहयोग मंच का उद्देश्य एशिया में रेलवे के बुनियादी ढांचे को विकसित कर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन रसद प्रणाली बंदरगाह नेटवर्क को मजबूत करना है, जिससे एशियाई अर्थव्यवस्थाओं का विकास होगा। भारत इस महत्वाकांक्षी परियोजना के साउदर्न कॉरिडोर की प्रमुख कड़ी है, जो बांग्लादेश म्यांमार को चीन और थाईलैंड ट्रैक से जोड़ेगा। भारतीय रेल ने इसके लिए पूर्वोत्तर राज्यों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की शुरुआत कर दी है। इसके तहत 118 किलोमीटर के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे सर्वेक्षण का काम चल रहा है, जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल को सीमावर्ती मुरा और पश्चिमी म्यांमार के तामो से जोड़ देगा। त्रिपुरा से मिजोरम होते हुए म्यांमार के डलरोन को जोड़ने की योजना है। इसी तरह अगरतला को बांग्लादेश के अखुरा से जोड़ने का काम लगभग पूरा होने जा रहा है। ये 15 किलोमीटर का ट्रैक पूरा होते ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका भी रेल मार्ग पर आ जाएगी। इस तरह भारतीय रेल ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क के थाईलैंड और चीन से म्यांमार, बांग्लादेश और भारत होते हुए ईरान और तुर्की तक दक्षिणी कॉरिडोर का अहम हिस्सा बन जाएगी, जो कि एशिया और यूरोप के बीच व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए एक कड़ी है। इस रेल नेटवर्क से जुड़कर भारत के पूर्वोत्तर राज्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के गेटवे साबित होंगे। ट्रांस एशिया रेल नेटवर्क में भारतीय रेल की भागीदारी वैश्विक प्रयासों के साथ साथ भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य तक पहुंचने की राह उपलब्ध कराएगी। भारतीय रेल सिर्फ परिवहन नहीं, परिवर्तन भी।